जी क्लास, तो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन इसमें आ रहा है वो है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग डोमिनेंट। तो डोमिनेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि डोमिनेंट होने का फ़ायदा क्या है और सबऑर्डिनेट होने का भी फ़ायदा क्या होता है। डोमिनेंट के फ़ायदे क्या हैं? जाहिर बात है कि वो पहला पॉइंट ये जो लिखा हुआ है कि डोमिनेंट इंडिविजुअल हैव मोर एक्सेस टू द फूड देन द सबऑर्डिनेट्स। तो देन रिप्रोडक्शन का इसके पास एक्सेस होती है और उसके बाद टेरिटरी की इसके पास एक्सेस है। तो लेकिन बींग डोमिनेंट होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। क्या कॉस्ट है? कि उसने खुद को मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए कोई भी इंट्रूडर, कोई भी बाहर से कोई जो उसका कौन स्पेसिफिक हो सकता है या कोई और एनिमल वहाँ पे अगर आता है तो वो फिर उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसके साथ अग्रेसिव बिहेवियर रखता है, उसको वहाँ से इंट्रूडर्स को भगाता है ताकि जो उसकी टेरिटरी है जहाँ जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको साथ लेकर चल सकें। तो जितने भी आपने देखे हैं एनिमल्स में जो ग्रुपिंग इनकी होती है उसमें एक इनका जो हेड होता है वो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है वो पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एग्जांपल आपने इसमें देखनी है, ये जनाब इसके एग्जांपल वो आपको दिखा रहा है, ये आपके पास ये बुक मौजूद है वहाँ से आप देख लीजिएगा कि ये कहता है कि ये जो एक एनिमल है ये हाइनस, इसके पास ये चूँकि डोमिनेंट है तो ये क्या करता है, इन्जॉय द टू इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ बींग डोमिनेंट, इन्हेंस रिप्रोडक्टिव एसेस एंड इंक्रीज एसेस टू द फूड। ठीक है जी। अब जब रिप्रोडक्टिव एसेस आ गया तो जारी बात है इसने रिप्रोडक्शन के लिए टेरिटरी भी इसकी डिफाइंड है, इस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये इसके जनाब, और जबकि जो डोमिनेंट हाइनस हैव द मोर फीडिंग टाइम एट कॉर्केसिस देन डू द सबऑर्डिनेट्स। हाँ, ये यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी इसके पास एसेस ज़्यादा है और जो फीडिंग स्ट्रेटजीज हैं कोई भी चीज़ मौजूद होगी ये सामने इसके पास ये चीज़ पड़ी हुई है, ये सबसे ज़्यादा पहले ये डोमिनेंट खाएगा, उसके बाद इसके जितने भी रिसेसिव हैं या सब मैसिव हैं या सब ऑर्डिनेट्स हैं वो सारे इसके आगे पीछे इधर खड़े होंगे, ये जब खा चुकेगा फिर वो आएंगे आगे। ठीक हो गया ना। तो ये जनाब ये इसकी एग्जाम्पल होगी, ये इसके फ़ायदे होगी। और भी आपने पैराग्राफ रीड करना है, बात पूछनी हुई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट होने के भी कुछ फ़ायदे हैं। सबऑर्डिनेट होने के क्या फ़ायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट। तो उसके फ़ायदे क्या हैं? जहरी बात है जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, आप एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स में भी ऐसा ही है कि बींग सबऑर्डिनेट, इफ़ द सबऑर्डिनेट्स, हाँ, इफ़ सबऑर्डिनेट्स हैव no other choices but they to stay in a group repeatedly challenging other individual to fight would lead to the risk of the injury in conflict that would most likely loser। ये क्या करते हैं कि अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो फिर वो वहाँ से भाग भी सकते हैं। ये पैराग्राफ देखें ज़रा, ये sometime, जी sometime subordinates have the option of leaving and joining the another group। वो देखते हैं कि यहाँ पर उनका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मतलब ये एग्जाम्पल उसने दिए, कहता है कि सबऑर्डिनेट रेड फॉक्सेज हैं, हैव अ लिटिल होप ऑफ लिविंग लॉन्ग इनफ टू बिकम डोमिनेंट। यानी इनको उम्मीद ही नहीं होती कि वो हो सकता है मर भी जाएँ तो उनको डोमिनेंट होने का चांस ना मिले, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सेकेंड ऑप्शन लेती हैं। देखें ना, जो उनका नेटल ग्रुप है वो छोड़ के भाग जाते हैं, उनको पता होता है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है और वो जो ये फॉक्स है ये बहुत अभी जूनियर है, लिहाजा सीनियर इसको मौका नहीं देंगे, तो ये वहाँ से फिर क्विट कर जाता है, भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है टू बींग सबऑर्डिनेट। जी, उसके बाद देखें, सम टाइम द एनिमल दैट जनरली सबऑर्डिनेट कैन ओकेजनली विन अ फाइट टू अ ब्रीफली गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज। कहता है ये भी हमने देखा है कि सबऑर्डिनेट्स बाजू का क्या करते हैं, अपने सीनियर के साथ फाइट करते हैं जिसके नतीजे में वो उनके पास वो रिसोर्सेज तक एक्सेस आ जाती है। ये बिग हॉर्न शीप को उन्होंने देखा है कि ये फाइट करता है, मेल जो होता है तो उसके पास वो फिर, हालांकि ये सबऑर्डिनेट होता है लेकिन ये डोमिनेंट के साथ फाइट करके फीमेल के साथ फिर ये मेटिंग करता है। कहता है हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने फिर बाद में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें 44% जो है ना वो इसी के इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जनाब इसका लास्ट जो पॉइंट आपने करना है इसी में लिखा हुआ है कि ये कि सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं सम टाइम बैंड टुगेदर ऑफ चैलेंजिंग डोमिनेंट इंडिविजुअल, ठीक है ना। ट्रूप्स हैं, बबन्स, ये जो मंकी वगैरह होते हैं उनके साथ भी ये देखने में आया कि उनमें ये फाइट वगैरह काफ़ी करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन के चांसेज इनके बन जाते हैं। तो ये डोमिनेंस का पोर्शन ख़त्म होता है, उसके बाद फिर हम दूसरा के करेंगे कॉन्फ्लिक्ट फॉर स्पेस यानी टेरिटरी के लिए झगड़ना। ठीक है जी।